हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एम ए शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। आज कुछ पैसिव वॉइसेस को लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं इनको आप कैसे बनाते हैं, इनको बनाने में क्या परेशानी आपको आती है। तो एक बार पहले मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन को आप लोग देख लें, अगर आपसे बने दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं बने तो फिर मेरा तरीका याद रखिएगा। सिट डाउन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टैंड अप, इसका भी पैसिव बनाना है। रन अवे, प्लीज स्पीक क्लियरली। वर्क हार्ड, लिसन टू मी। हरी अप, डोंट स्मोक। थिंक बिफोर यू स्पीक। बी केयरफुल, डोंट डिस्टर्ब मी। फिनिश द वर्क। उसके बाद है, देर इज नो वर्क टू डू, देर इज नो टाइम टू वेस्ट, देर इज अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, इट्स द टाइम टू सप्लाई फूड, या इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, इट इज टाइम टू टेक एक्शन, देयर आर टू स्टूडेंट्स टू टीच, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, समवन हैज स्टॉलन माय वॉच, हुम हैज ही बीटन। ये तमाम पैसिव वॉइस हैं, एक टिप टू पैसिव करना आपको। तो आइए देखते हैं, सिट डाउन ऑब्जेक्ट है इसमें? बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा ये इंट्रांजिटिव है। जब भी सिर्फ और सिर्फ भी वन आए और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, इससे ऑर्डर या एडवाइस का बोध हो, तो ऐसे में याद रखिएगा स्टार्टिंग सेंटेंस आपका यू आर से होगा। यू आर एडवाइज्ड, अगर सेंटेंस में एडवाइज्ड है, पढ़ के पता चले कि एडवाइस दिया हुआ है तो उसमें एडवाइस लगाएंगे, अगर ऑर्डर लगे तो ऑर्डर लगाएंगे, या अगर प्लीज या काइंडली दिया हुआ है तो वहां रिक्वेस्टेड करेंगे। अब बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर से आप ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को भी क्लियर कर सकते हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो भी इसको बना सकते हैं, और V1 के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सबसे सुपर हिट हो लिए इसके लिए है। उसके बाद आपको करना क्या है, इनके साथ टू लगा देना और जो वर्ब है उसको V1 फॉर्म में बैठा देना। तो एक बार देख लीजिए, सिट डाउन इसका क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। अब उम्मीद करते हैं सारा बन जाएगा। स्टैंड अप, किसी को बोलना है स्टैंड अप तो ऑर्डर देते हैं आप, इसलिए यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। रन अवे, भाग जाओ, तो इसके लिए भी ऑर्डर ही हुआ, यू आर ऑर्डर्ड टू रन अवे। प्लीज स्पीक क्लियरली, यहां देख रहे हैं प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब यहां रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए अब यहां यू आर ऑर्डर्ड नहीं देंगे हम लोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जब रिक्वेस्ट लगाएंगे तो इस प्लीज को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक क्लियरली। वर्क हार्ड से क्या आपको ईमेल रहा है इंफॉर्मेशन कि ये एक सलाह दे रहा, इसलिए हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। लिसन टू मी, अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है, इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, आई शुड बी लिसन्ड टू कर सकते हैं, यहां मी को लेकर के आई शुड बी लिसन टू, या यू आर ऑर्डर टू लिसन टू मी, दोनों कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मिला है तो ऐसा ऑफर नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग, आई शुड बी लिसन टू, वरना हम लोग क्या कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू लिसन टू मी। अगला क्वेश्चन है हरी अप,
जल्दी करो। तो यहाँ यू आर ऑर्डर्ड टू हरी अप। डोंट स्मोक, रोक रहे हैं किसी को, तो यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। अगर आपसे छोटा है तो यू आर कह सकते हैं एडवाइज नॉट टू स्मोक, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक। लेकिन बड़ों के लिए एडवाइज ही दीजिएगा, छोटा रहेगा तो ऑर्डर क्लियर कर सकते। थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका हिंदी है बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच लो। तो यहाँ देखिए थिंक बिफोर यू स्पीक, इसको बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू स्पीक। बी केयरफुल, इसको बनाइए, सावधान रहो, किसी को सलाह दे रहे हैं तो यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट है, आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब कर सकते हैं या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी। नॉट टू लगा देंगे डोंट के वजह से, एक तो यूं बना सकते हैं आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, और दूसरा कर सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी, ये इन्हीं का है। फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट आया हुआ है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है और फिनिश भी वन है। तो इन यहां बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन हो जाता है। एक तो इनको लेट से बना सकते हैं, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड या दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड, और तीसरा अभी अभी जो रूल आप क्रिएट किए हैं इससे भी बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश दिस वर्क। या तीनों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं इसको बनाने के लिए। एक तो दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड, या कर सकते हैं लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड, या कर सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश दिस वर्क, यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश दिस वर्क। तो इस तरह के ऑप्शन रहे तो बहुत मजा आ जाता है, आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड या दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड, या तीसरा पॉइंट आपके पास आया था यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश दिस वर्क। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं, जब दियर से स्टार्ट हो सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है। देयर इज नो वर्क टू डू, यहाँ ध्यान दे रहे हैं देयर इज, इनको तो आपको छूना ही नहीं है और इनको भी छूना नहीं है। देयर वाला सेंटेंस जब भी आए तो आपको देयर प्लस इज और जो नाउन आया हुआ उसको आपको छूना नहीं है। लास्ट में जो टू प्लस भी वन है इसको टू बी प्लस भी थ्री कर देना है। टू डू को हम लोग टू बी डन कर देंगे, ऑटोमेटिकली इसका पैसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, तो देयर इज नो वर्क टू बी डन,
बात याद रख लीजिएगा, देयर यहाँ तक आपको कोई काम नहीं करना है, खाली लास्ट में टू वेस्ट है तो टू बी वेस्टेड कर देना, टू स्पेंड है तो टू बी स्पेंड कर देना। देखिए देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, आपको यहां तक चुपचाप चले जाना है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी स्पेंट, इट इज टाइम टू सप्लाई फूड। हाँ, इट इज वाले में याद रखिएगा कि इट इज टाइम ये आपका सेम रहेगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट फोर के साथ आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, फोर के साथ, चाहे वहाँ आईएनजी वाला वर्ब हो तो भी वो फोर के साथ आएगा, और नाउन अपने सकल में हो तो भी वो आएगा, क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर फूड, कर दिए। और ये जो टू प्लस भी वन है इसको टू बी प्लस भी थ्री करेंगे, टू बी सप्लाइड, टू बी सप्लाइड। फिर इसी तरह से आपको यहां तक चले जाना है और इसको ऑब्जेक्ट को फोर के साथ रखना है, इट इज टाइम फॉर एक्शन, इट इज टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन, टेक का टेकन हो जाएगा, देयर आर टू स्टूडेंट्स टू टीच, फिर आपको देयर से आ गया तो देयर वाला यहां तक चले जाइए, आपको देयर में फोर नहीं लगता, इट रहेगा, इट इज टाइम रहेगा तभी आपको वहां फोर लाना है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर टू स्टूडेंट्स to be taught। इसी तरह से आइए, people speak Hindi in India। तो एक यहाँ कॉमन सी बात याद रखिएगा कि जब सब्जेक्ट आपका people रहे, पुलिस रहे, पब्लिक रहे, और जितने भी इनडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody, इन तमाम को बाय के बाद नहीं लगाया जाता, बिल्कुल इनसे परहेज कीजिएगा, इनको एकदम अभी माइंड सेट कर लीजिए, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, पीपल, पब्लिक, पुलिस, रॉबर, थीफ, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नो बडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, जितना भी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये तमाम प्लस ये पीपल पब्लिक जितना भी आता है इनको हम लोग बाई के पास बाई के बाद कभी नहीं लगाते हैं, इनको लगाना ही नहीं है आपको, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट से काम करना है। जैसे ये सेंटेंस है, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, तो आपको मेन काम है ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहां हिंदी इज स्पोकन ले लिए, मेन पैसे बन गया मेरा, और इन इंडिया इसको यहां ऐड कर दिए, इन इंडिया, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, बाय द पीपल, बाय पीपल बिल्कुल लगाना नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इसको रोका जाएगा। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट में आया है थीफ तो आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में पीपल आया है तो वो आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट में आया है और उसको बाई के बाद लगाना है तो बिल्कुल वहाँ मना ही है। द पीपल अरेस्टेड द थीफ, तो यहाँ द थीफ आपका ऑब्जेक्ट आ गया, भी टू है तो वॉज अरेस्टेड, The thief was arrested by the police, बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस को है और वो ऑटोमेटिक करेगा, आपको अलग से पुलिस वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। Someone has stolen my watch, someone has stolen my watch, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, my watch has been stolen,
माय वॉच हैज बीन स्टॉलन बाय समवन नहीं करेंगे। अब आइए यहाँ इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हुम का इस्तेमाल हुआ है तो आपको याद रखना है हुम को आपको पैसिव में नहीं रखना, इसको हु कर देना है। क्या हो जाएगा? हु, उसके बाद हैज हब में आ जाएगा, हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, हुम हैव यू इनवाइटेड। चूंकि ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसीलिए यहां हुम को हु, उसके बाद हैज बीन इनवाइटेड बाय। इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो हम लोग इसको कर देंगे हु हैज बीन बीटन बाय हिम। ये ही को लास्ट में कर देंगे बाय हिम। क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ जो पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं एक्टिव टू पैसिव का, उन तमाम वीडियोस को देखिए और उसके बाद ये एडवांस चल रहे हैं और एडवांस आएंगे, इस तरह से आएंगे कि आने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे ट्वेल्थ का एग्जाम्स हो, किसी भी तरह का एग्जाम, वो आपसे न छूट पाए। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग को करना है। देख लीजिए, आई स्पीक इंग्लिश, यू हेल्प अस, सी इज हेल्पिंग मी, आई लव यू, दे इंसल्टेड यू, ही अब्यूज्ड राजा, I am writing a letter, she has eaten food, we have seen you, he was cooking food, I had called her, she teaches me, we respect you, I can do it, he will teach me, she may call you, they must do this, you should save money, we must speak English, she could cook food, you might see him, we would call you, she can speak the truth, he will manage this, he should have done it, write a letter, speak English, let me speak, यहाँ let me speak English कीजिए, let me speak English, don't beat her, I am to help you, she was to cheat you, I have to speak English, he may have to do it, I will have to change it, he made me laugh, she gave me a pen, She taught me English. There is no time to waste. दोस्तों ये तमाम आप लोग को होमवर्क है, इसको करना है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें और इसको बैठ कर घर में, तो लीजिए स्क्रीन शॉट बढ़िया से और इसको घर में आप लोग बनाइए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो फिर कॉल कीजिएगा, ठीक है? फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोग को इसमें दे दूंगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप कॉल के माध्यम से, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका है कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन लिखिएगा और उसको बता दीजिएगा कि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये बना लेंगे और ज़रूर बनाएँ, और इनको बनाना ही है। बेशक बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सब क्वेश्चन कलेक्ट करके दिए हैं आप लोग को, और होमवर्क का सिलसिला चलते रहेगा। अब सप्ताह में 3 दिन आपको होमवर्क, 3 दिन 4 दिन आपको होमवर्क मिलेगा, जो जो टॉपिक आप पढ़ते गए हैं।